नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर और सचिन, इनकी प्रेम कहानी ने हर दिन एक नया मोड़ लिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए सीमा हैदर भारत आई और जिस तरीके से उनकी प्रेम कहानी भारत में फैलती चली गई और अब पाकिस्तान में भी फैलती चली गई, इसमें हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर कई सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, जासूस है जो भारत आई, क्योंकि एक तो वो बिना वीजा के भारत आई और ऊपर से जब वो भारत आई तो 2 महीने नोएडा में रहने के बाद पुलिस को पता चला कि पाकिस्तान से एक महिला है जो बिना वीजे के भारत आई है, वो भी नेपाल के रास्ते इल्लीगल तरीके से। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब सचिन के साथ शादी कर ली और रहने लगी, उन्होंने कहा कि मुझे सचिन से प्यार था और मैं पाकिस्तान छोड़कर सचिन के साथ यही भारत में रहना चाहती हूँ, और उन्होंने अपना धर्म जो है वो भी चेंज कर लिया है। अब उसके बाद एक के बाद एक उन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जासूस है, जिस तरीके से वो मीडिया से बात कर रही है वो वेल ट्रेंड एजेंट लग रही है, जिस तरीके से वो सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि वो किसी मकसद से भारत में आई है। और एक और सवाल यहाँ पर उन पर उठने लगे हैं कि पाकिस्तान से उनके ससुर का, क्योंकि सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा है, उनके जो पति हैं गुलाम हैदर वो दुबई में रहते हैं और उनके जो ससुर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनका कहना है कि जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से 7 लाख रुपए समेत 7 तोला सोना लेकर भागी है और उन्हें एक लुटेरी बता दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर खूब वायरल हुई, जिसके बाद जब उनसे हमारे पत्रकार ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना आप लेके गए। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया ना सोना। सोना मेरा यही मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे? उन्होंने तो ऐसा बोला। आपका अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया, झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले लेके खा के रह रहे हैं और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है, वहाँ पे जेकमाबाद सिटी में शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले लेके हिंदू कौम का ही वहाँ पे खा रहे हैं, ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पस नहीं पता है वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जेकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं तो उन्हीं से ले लेके खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्ज ही है, लोग उनके घर में हर महीने भागे भागे आते हैं, ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं सर। अच्छा, आपकी जो शिक्षा हुई है 5वीं आप तक आपने पढ़ाई की है और 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद इतनी बेहतर, मतलब कि लोग बोल रहे हैं, हमने तो सुना नहीं कि बेहतर आप इंग्लिश बोल ले रही हैं, चीज़ें लोगों को समझा पा रही हैं, या इतना ज़्यादा आप मीडिया फ्रेंडली है, कैसे बिना कोई घर में अभी तक रहने वाली महिला ये कर पा रही है, कैसे कर पा रही है? ये मेरी जाहिर से सच सच है, मैं सच बोल रही हूँ इसलिए बगैर घबराए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, ये मेरे साथ हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मैं जेल में बोलती थी तो मुझसे बोला नहीं जाता था, रो रो के बोलती थी क्योंकि यहाँ इतना खौफ था तब। फिर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी जीत ही होगी, तो इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए कोई डर नहीं है मेरे मन के अंदर। मरना एक दिन सब ने है सर, पर मैं बेगुनाह ऐसे गंदी मौत नहीं मरना चाहती, एक दिन मौत मुझे भी आनी है। आप सब हर किसी को मरना है, जो मेरे पापा थे वो भी चले गए, दुनिया में कई लोग आए हैं चले गए हैं, मेरी भी मौत होगी एक दिन, पर इस तरह की मौत मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ अगर मौत आती भी है मैं यहाँ मरना चाहूँगी, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, और मैं सच ही बोल रही हूँ इसलिए मुझे कोई डर नहीं।